वही चुप्पी तोड़ स्वस्थ रहो उसके बारे में उन लोगों को समझाते हैं। शौचालय बना लिए हैं, 275 शौचालय बनाए, हमको अभी तक एक रुपया नहीं मिला। चुप्पी तोड़ स्वस्थ रहो वो भी किए, उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी डान। इस वक्त हम राजधानी रांची से 50 से 60 किलोमीटर दूर सिले विधानसभा पहुंचे हैं और आपको बता दूं कि सोनहातू प्रखंड में हैं हम लोग। और कौन सा गांव है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहिया दीदी हैं और ये क्या कुछ काम करती हैं, कितना सक्सेसफुल हो रहा है वह जानने की कोशिश करेंगे। सुदूर मरंगकिरी गांव हम लोग पहुंचे हुए हैं ना जी। क्या काम आप लोग करती हैं? हम लोग जल सहिया है, हम लोग पेयजल पेयजल स्वच्छ उसका काम करते हैं हम लोग। क्या इसमें क्या कुछ करना होता है, घर घर जाकर? हम लोग घर घर जाके बताते हैं कि मतलब स्वच्छता के विषय हम लोग बात करते हैं, महिला को स्वस्थ रहने का बात करते हैं और पानी का मतलब बचाव का बात करते हैं। स्वच्छता, आप स्वच्छता कितना जरूरी है कैसे बताती हैं लोगों को, साफ सफाई कितनी जरूरी? बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। हम लोग देखिए स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग बहुत मतलब बीमारी से हम लोग बचेंगे, यही सब हम लोग जाके बताते हैं। स्वच्छता हम लोग गांव में जाके हम लोग स्वच्छता का अभियान निकालते हैं और गांव में हम लोग घूमते हैं, महिला लड़की लोग के साथ मिलते हैं, मिलके हम लोग चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो उस विषय में हम लोग बताते हैं। जैसे कि महिला लोग को बैठाते हैं एक जगह, महिला भी लड़की लोग, उन लोग को हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि लड़की लोग जब महामारी का जब समय आता है तो उस टाइम हम लोग किस तरह करेंगे। रोकना चाहेंगे, ऐसा है कि शहर में इन चीज़ों को लेकर लोग खुले हैं। अगर महामारी की बात करें, पीरियड्स की बात करें तो इन चीज़ों को लेकर शहर में लोग खुले हैं, लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अभी भी लोग जो है वो काफ़ी झिझक के बोलते हैं, शर्मा कर बोलते हैं। आप क्योंकि सुदूर गाँव में रहती हैं, कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को, कितनी जागरूकता है? लोग समझाते हैं, खुल के समझा देते हैं कि नेक पिन का यूज कीजिए, कपड़ा का यूज नहीं कीजिए। जैसे कि महिला लोग, लड़की लोग कपड़ा का यूज करती है तो धूप में नहीं सुखाती है। लोग कितने समझते हैं अब, क्या खुल के बात करते हैं? खुल के बात करने में लोग झिझकते हैं, पहले झिझकती थी, अब नहीं झिझकती है। जब हम लोग टोला टोला जाके बैठाए महिला लोग को, लड़की लोग को बैठाए तो समझ गई कि हाँ हम लोग को कपड़ा का यूज नहीं करना है, उसमें हम लोग का कितना हानि पहुँच रहा है, उसमें बचपन का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इतनी जागरूकता आप लोग गाँव गाँव घर घर जाकर लोगों को पहुँचाते हैं, इसके साथ और क्या कुछ करते हैं? और क्या आप अभी कह रही थी, कुछ दीदी थी जो कह रही थी कि जितना मानदेय है वो नहीं मिल पाता है, जितना माना गया है वो नहीं मिल पाता है, तो आप लोग अपने काम कर रहे हैं लेकिन जो सरकार जो आप लोगों के लिए राशि बांधी हुई थी या जो भी चीजें कही थी, क्या वो पूरा कर पा रही है? नहीं, पूरा नहीं कर पा रहे। हम लोग शौचालय बनाए, हम लोग बहुत सारा, मेरा गांव में हम 200 शौचालय बना लिए हैं, 275 शौचालय बनाए, हमको अभी तक एक रुपया नहीं मिला है। हम लोग का जल जांच किए, हम लोग वो भी दिया, वो भी बोला गया था कि जल जांच में हम लोग को पैसा, चुप्पी तोड़ा स्वस्थ रहो वो भी किए, उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। और हम लोग मानदेय था, मानदेय भी हम लोग को सही सलामत नहीं मिला है, 1000 रुपया वो भी सही सलामत नहीं मिला है। मेरे को तो आज मेरा प्रखंड में कम से कम 3 जन का अभी भी पेमेंट, हम लोग 10 से जुड़े हैं, मेरा अभी तक पेमेंट 1 रुपया हम नहीं मिला है हमको। मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं लोगों में अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर जागरूकता फैल रही है, लोग विकास कर पा रहे हैं, तो सहिया दीदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये लोग घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं और तब जाकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का जो विकास होना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, जो मानदेय जो कि बांधा हुआ है वो मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। साथ ही जो आप लोग कह रहे थे अभी कि जो साड़ी धोती या इन सब चीज़ों का भी दो बार नहीं मिल पा रहा, दो बार साड़ी देंगे बोला गया था लेकिन एक बार भी साड़ी नहीं मिला है। मानदेय तो मिलवे नहीं कर रहा है, साड़ी भी नहीं मिला है। और इतना सोचिए कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, वो तो जाइबे कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, आंगनबाड़ी भी जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी स्कूल की लड़की लोग को भी हम लोग समझाते हैं, ठीक है, स्कूल में भी मिलता था बड़े नेक पिन, अभी नहीं मिल रहा है। क्या आप करते हैं सुबह से, अब घर का उठती हैं, सफाई करती हैं, उसके बाद कितने बजे निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, क्या काम? जैसे कभी ड्यूटी रहता है कमी में, जैसे चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो उसमें हम लोग 10 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे निकल के वहाँ जाके लड़की लोग को सबको पहले ही बोल के रखते हैं कि इतना बजे आप लोग को रहना है, तो उन लोग इकट्ठा कराती है। उसके बाद वहाँ जाके उन लोग को तो ही चुप्पी थोड़ा स्वस्थ रहो उसके बारे में उन लोग को समझाते हैं। मैंने इसमें शर्माना नहीं है, चाहे जो चिड़चिड़ापन होता है घबराना नहीं है, ये सब उन लोग को बता देते हैं,
फिर जो कपड़ा उन लोग का भींग जाता है तो उस सब एक बार भींगने से फिर उसको फिर दोबारा यूज नहीं करना है। कि महामारी के समय में हम लोग लड़की को वीडियो बनाए हैं, कोई लड़की आती है कि पिछवाड़ा जाती है एक बाल्टी पानी लेके, ठीक है अपने कपड़ा धोने की, एक बाल्टी में सोचिए कि नहीं होगा साफ है कि नहीं, थोड़ा सा साबुन उन लोग साबुन का भी यूज नहीं करती है, छुपे छुपे कपड़ा साफ कर लेती है तो उसमें नहीं होता। वही चीज हम लोग वीडियो बना के उन लोग का समझाए कि दीदी देखिए इस तरह करिएगा तो आपका हानि है, हम लोग वीडियो बना के समझाए। उसके बाद हम लोग अपने से नेकपिन खरीदे हैं और उन लोग को बांट दे कि देखिए इसको इस तरह से यूज किया, वो हम लोग दिखा दिए किस तरह से किया जाता है, वो भी हम लोग दिखा दिए। तो ये सही है दीदी थी, आज हम विधानसभा सिल्ली विधानसभा पहुंचे थे और यहाँ पर सहिया दीदी आई हुई थी और यहाँ पर आज पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचे थे शिलान्यास करने के लिए ताकि घर घर तक अपन नल पहुंच पाए। जाते जाते ये जानना चाहूंगी कि आज मंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, अब घर घर तक नल पहुंचेगा, हालांकि इससे पहले भी कई विधायक आए होंगे, जनप्रतिनिधि आए होंगे, नल पहुंचा था ना? कभी नहीं पहुंचा था, कभी नहीं पहुंचा था, कभी नहीं। अब इस बार जब आए हैं तो बोले कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे। हम लोग को खुशी की बात है कि आज हम लोग का घर घर पानी पहुंच रहा है, किसी को कहीं खड़े रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी से शर्माने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।